Assalamualaikum viewers, कैसे हो आप सब लोग? आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक कद्दू की बर्फी। ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बन के रेडी होती है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने 1 kg ब्लैक पम्पकिन लिए हैं, कद्दू का हमने श्रेड किए हैं, हमने यहाँ एक पैन लिए है, इसमें हमने 1 tablespoon घी गरम किए है। इसमें हम ऐड करेंगे श्रेडेड पम्पकिन, हम इसे घी में अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 cup शुगर और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। पम्पकिन ने और शुगर ने अपना वाटर रिलीज कर लिया है, इसी वाटर में हम कद्दू गलने तक पकाएंगे। हमने इसको 10 मिनट कुक किए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 4 tablespoon मिल्क पाउडर, इसे हम मिक्स करेंगे और फिर से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमने इसे स्पून से हिलाते हिलाते 5 मिनट के लिए कुक किए हैं। अब हम इसमें 1/4 teaspoon कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। हमने इसे चिकना होने तक कुक किए हैं। पम्पकिन पैन को छोड़ने लगा है। हमारी बर्फी बनके रेडी हो गई है। हमने यहाँ एक बेकिंग ट्रे लिए है, इसके ऊपर हमने एक बटर पेपर डाले हैं और उसको हमने ऑयल से ग्रीस किए हैं। इसमें हम कद्दू की बर्फी को डाल के सेट करेंगे। इसे हम ट्रे में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। हमारा स्प्रेड करके हो गया है। अब हम इसे 2 to 3 hours के लिए सेट होने रखेंगे। बर्फी हमारी सेट हो गई है। हमने इसे प्लेट में निकाले हैं। अब हम इसे पिस्ताचियो के पाउडर से गार्निश करेंगे। बर्फी के अब हम पीसेस करेंगे। अब हम इसे काजू से गार्निश करेंगे। हमारी डिलीशियस टेस्टी एंड हेल्दी पम्पकिन बर्फी बनके रेडी है। अल्लाह हाफिज़।